So we are back after this short break, and today we are talking about the discriminations happening in North America. The new story, or we can say a new headlines, which comes from California, जहां पर 50 साल के सुरजीत सिंह मल्ली के साथ एक ऐसा हादसा होता है जहां पर उनको ये लगता है कि मेरी जान अब नहीं बच सकती, लेकिन उनकी जान बच गई. उनके ऊपर अटैक किया जाता है कुछ लोगों की तरफ से, और वो लोग कोई और नहीं, अमेरिकन्स यानी कि वाइट पीपल थे. मिस्टर मल्ली ने बताया कि उनको ये भी कहा गया कि अपनी कंट्री में वापस चले जाओ, एंड ही वॉज पुटिंग सम पोस्टर्स. तो हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे जो लोग हैं और जिस कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग उनको पहचाने, एंड दे शुड मेक देम रियलाइज दैट यू आर डूइंग बैड एंड यू आर मेकिंग योर कम्युनिटी यू नो डाउन, एंड चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसे जो हालात हैं वो सुधरें. लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, 9/11 के बाद जब जैसे जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, सिक्योरिटीज़ हैं अमेरिका की स्ट्रॉन्ग होने लगी, बिकॉज आफ्टर 9/11 ये भी छटना शुरू हो गया कि कौन बैड एलिमेंट्स हैं, एंड दे शुड गेट डिपोर्ट टू इंडिया और दे शुड गेट डिपोर्ट टू पाकिस्तान, बांग्लादेश, एनी वेयर इन साउथ एशिया. तो उनको डिपोर्ट करना शुरू किया, एंड एनी वेयर इन यू नो इन एनी डिफरेंट कंट्री. तो ऐसे कई लोग हैं जिनको बैड एलिमेंट्स को भेजा गया वापस उनके मुल्क में. उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ऐसे जो लोग हैं उनको पकड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, एंड दे गोना डिपोर्ट बैक टू देयर कंट्रीज. तो ऐसा हुआ भी. लेकिन क्या अब आपको लगता है कि जो लोग यहीं पर जन्मे हैं, जिनको हम वाइट पीपल वाइट लोग जो हैं वाइट पीपल कहते हैं, जिनको हम जो ब्लैक हैं, दोज हु आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, उनको कहाँ भेजोगे आप? वे यू विल सेंड देम दोज हु आर नॉट एक्सेप्टिंग यू एज एन इमिग्रेंट, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू एज एन सिटीजन, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू एज एन इंडिविजुअल ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन, तो उनको कहाँ भेजोगे? ये बड़े सवाल जो हैं वो बनते हैं. एंड आफ्टर ओबामा, आफ्टर यू नो Obama, now the Trump is in, so people are expecting more from him. But वहीं पर दूसरी ओर ये खबर भी बनती हैं, और जो दूसरे लोग हैं, दूसरी पार्टी हैं, वो ये कहते हैं कि Trump is also supporting Americans, he is not supporting the immigrants, and he is not supporting you know the people those who belong to different communities. But वहीं पर Trump government और उनके officials कहते हैं कि we are supporting them and we appreciate them because they have given full support in this elections, and we just want that people those who are in America, those who are giving the taxes, those who are making the America strong, those who are contributing their you know their salaries or their money for the revenue for make America strong, so Donald Trump say I welcome them, because making the community strong, making the country strong, it help for the country and for the people and by the people. So I think ab sochna hi hoga, jo aise log hate crime karte hain unke liye कैसे कैसे और स्टेप्स उठाने चाहिए इन फ्यूचर, सो दैट दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी अदर गाय फ्रॉम दी अदर कम्युनिटी. एंड अब इसको लेकर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है. खबर सामने ये भी आ रही है कि कैलिफोर्निया में परसों असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन भी पास किया जाएगा इस मुतल्लक, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या पास किया गया है. एंड इफ़ यू थिंक दैट दिस इशू शुड बी रेज्ड एंड द पॉलिटिशियंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट, एंड देन आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप इन फ्यूचर, एंड इट्स ऑल्सो अ गुड स्टेप फॉर द पीपल, दोज हु आर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ, दोज हु आर becoming the victim of this kind of crimes, and maybe they can secure their future living in United States of America, and they can say that they can proudly say that I'm also contributing for the revenue of this country and to make this country more powerful. अगर आपको लगता है कि इस तरीके के इश्यूज हमें सामने लेकर आने चाहिए, अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी कभी हुआ है तो मुझे ज़रूर लिखिएगा मेरी ईमेल आईडी के ऊपर info@justbroadcasting.com, harkeerat@justbroadcasting.com के ऊपर आप लिखकर अपने जो विचार हैं मेरे साथ रख सकते हैं. इफ़ यू हैव गोन थ्रू विद दिस सेम केस, इफ़ यू हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड और आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है, तो आप मुझे ज़रूर लिखिए इस ईमेल आईडी के ऊपर. आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक, एंड वी कैन प्लान दैट वी कैन टेक यू ऑन कॉल ऑन फोन, एंड वी कैन डिस्कस
with the viewers and we can try to get the conclusion as well, so that this conclusion will help for the betterment of United States of America for these people, those who are doing the hate crime. And I think today we are done. We are almost covered each and everything. But if you think that we should also raise such kind of issues, so do let me know and do write me. बहुत बहुत धन्यवाद. आज आपने ये कीमती समय इस शो के लिए निकाला. कल इसी टाइम इसी समय हम जरूर पहुंचेंगे. सपोर्ट करते रहिए हमारे स्ट्रेट टॉक को और देखते रहिए स्ट्रेट टॉक को और लिखते भी रहिए और फ़ोन भी करते रहिए इस लाइव नंबर के ऊपर, जो लाइव नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर चलता है जब मैं आपसे बात करता हूं. और करेंगे इसी तरीके से हम बात, वो भी करेंगे सीधी, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट टॉक. धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल.